हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड. सो जिनका वीज़ा आ गया है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देने जा रहा हूँ. हालांकि आप लोग अपने साथ कैश लेके आ रहे होगे डॉलर्स में, तो एक आप कार्ड में भी डलवा के आ रहे होगे और आप डॉलर्स में भी लेके आ रहे होगे. तो एक मैं लाइक एक टाइप का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे दोस्त के साथ आपके साथ ना हो. तो मैं उनका नाम भी नहीं रिवील करना चाहता और ना मैं उनका कोई फेस दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज अगर लाइक घर वालों को पता लगता है तो घर वाले थोड़ी टेंशन लेने लगते हैं कि इतना लॉस हो जाता है. तो उसका नाम भी नहीं बताऊँगा, सिर्फ आप उसकी ऑडियो सुनोगे और वो आपको बताएगा सारी चीज़ें कि उसके साथ हुआ क्या और कितना लॉस हुआ है उसका. सो गाइस, इस एक्सपीरियंस को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप कनाडा आते हो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए. तो आप प्लीज़ अपना पूरा एक्सप्लेन करना कि क्या क्या हुआ आपके साथ कल रात और आज पता कैसे लगा. देखो भाइयों, आप सारे इंडिया से आ रहे हो तो हमारे लिए पैसा बहुत वैल्यू रखता है। इंडिया में चाहे हमारा 10,000 का खर्चा हो जाए, हम नहीं सोचते थे, पर अगर 100 का नोट नहीं मिलता था तो हम हमेशा सोचते थे कि वो कहाँ गया। तो पैसा हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो आप वहाँ से आओगे तो अपने साथ कैश भी लेकर आओगे, पर कैश लाने का या कोई फ़ायदा नहीं है इतना, क्योंकि आप हफ्ते में सिर्फ 500 या $700 ही करवा सकते हो। तो कैश आप इतना कैरी करोगे, बोलने को तो वो $2,000 है पर आपके लिए वो लाख रुपए हैं। मैंने भी यही गलती करी, मैं अपने साथ $4,000 लेकर आया था, 2,000 मैंने करवा दिए थे, 2,000 मेरे पास थे। मैं सोच रहा था किसके अकाउंट में कराऊं, तो मेरे वॉलेट में पड़े रहते थे, तो जैसे कोई भी घर आए कोई भी उसको उठा सकता था। तो ऐसे ही हमारे घर कोई आया, ABC बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट उस बंदे ने पैसे उठा लिए एंड अब मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकता। ये कैनेडा इंडिया नहीं है कि मैं उसको कुछ कह सकूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। सो मुझे बहुत लॉस हुआ, बस इससे मुझे एक सीख मिलेगी, अपने पास बिल्कुल यहाँ कैश मत रखो, यहाँ सब कुछ कैशलेस है। आपने छोटी से छोटी एक टॉफ़ी लेनी हो या एक लैपटॉप लेना हो, हर चीज़ क्रेडिट कार्ड पे चलती है, तो अपने पास सिर्फ कार्ड रखो। वहाँ से भी आ रहे हो तो बॉर्डरलेस कार्ड मिलते हैं, उनमें पैसे लोड करवाओ, यहाँ आओ साथ के साथ पैसे निकालो ATM में और साथ के साथ जमा करवा दो। कैश अवॉइड करो हद से ज़्यादा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। ऑल दी बेस्ट टू एवरीवन जो यहाँ आ रहा है। थैंक यू। सो गाइस, आपने इनकी स्टोरी सुनी है, तो लॉस बहुत बड़ा हुआ है, $2,000. ठीक है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमें GIC की स्टार्टिंग में मिलती है और ये सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेंट पे करते हो आपको अपना सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट देना पड़ता है. अब जिसके $2,000 1 लाख का नुकसान होता है ना, उसको पता लगता है कितना बुरा लगेगा. तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप किसी को अपने गेस्ट को अपने घर ला रहे हो या किसी पे आप खुला भरोसा करते हो, लेकिन पैसे के मामले में भाई ये कनाडा है. ठीक है, यहाँ तो कई तो रिश्तेदार हैं भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हम किसी से हेल्प मांगने जाते हैं. यहाँ पे सिर्फ आपके दोस्त काम आएंगे. तो मान लो चाहे आप किसी के साथ रह रहे हो, चाहे आपका रूममेट है, ठीक है, ट्रस्ट तो बना हुआ है, बट बेसिक कंसर्न ये है कि आप अपना डॉलर्स जो है आप अपने डॉलर्स स्कोशिया बैंक में जमा करा लीजिए, जो भी कोई भी बैंक है आपका. ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि ऐसे लाइक चलो इनकी इनका पहला फेज था, इनके पास सिक्योरिटी के पैसे हैं, थोड़े से पैसे हैं, चलो जितने 1,000 या $500 पड़े हैं ये हम भी हेल्प कर देंगे. अगर आप अकेले हो या आपके साथ एक और बंदा है, आपके $2,000 का लॉस हुआ, आप कहाँ जाओगे? कोई हेल्प नहीं करता गाइस यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि हेल्प इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने धोखे खाए होते हैं, और जो धोखे खाए होते हैं और अगर कोई सच्चा पर्सन भी हेल्प मांगता है तो हम सोचते हैं कि ये फ्रॉड है. सो गाइस, बच सकते हो तो बचो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ अपने कैश का थोड़ा ध्यान रखना गाइस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ ही मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, और शेयर जरूर करना. ठीक है, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ताकि आपके बच्चों का कोई नुकसान ना हो और आपके बच्चे आराम से पढ़ सके और अपना जो जितना भी एक्सपेंस है वो संभाल सके. सो गाइस, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय. अच्छा, कोई स्टार्ट करें गगन द